फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और राजा टीवी नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत एस्ट्रो स्पेशल। जैसा कि आप जानते हैं, एस्ट्रो स्पेशल एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर हम ग्रह और गोचर की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, कुछ विशेष परिवर्तनों की बात करते हैं। और इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम, मैं ये कहूँ, साल 2022 के बहुत बड़े टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने। सबसे ख़ास क्या होने जा रहा है, अरसे बाद बनने जा रहा है अंगारक दोष। अंगारा जानते हैं आप क्या होता है? कोयला जब जलता है तो उसे अंगारा कहते हैं। कोयला कहते हैं राहु को और आग लगाता मंगल है, जी हाँ, इसलिए से अंगारक दोष कहते हैं। विनाशकारी योग कहा गया है, एक ऐसा योग जो विनाश को जन्म देता है। आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो भी यही है। मेष में राहु मंगल का मेल बिगाड़ेगा दुनिया का खेल, राशि अनुसार जाने आप पर क्या असर पड़ेगा। सभी राशियों की बात करेंगे, मेष से लेकर मीन राशि की बात करेंगे, उपाय भी बताएंगे आपको, विशेष राशि अनुसार उपाय। इसके साथ आपको चार उपाय भी बताएंगे खास अंगारक दोष कम करने के उपाय। और आपको ये भी बताएंगे कि देश और दुनिया पर अंगारक दोष यानी कि राहु और मंगल का मेल कैसे दुनिया का खेल बिगाड़ेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का सेनापति मंगल को माना गया है और मंगल देव जो हैं सोमवार 27 जून 2022 को सुबह 6 बजे अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और बुधवार 10 अगस्त 2022 की रात को 9:32 तक मेष में ही रहेंगे, यानी कि लगभग 43 दिन, 43 डेज। और इसी के साथ ही मंगल मेष राशि में पहले से ही बैठे राहु से युति कर लेंगे, यानी कि साथ मिल जाएंगे। और जब कभी भी राहु और मंगल आपस में मिलते हैं तो अंगारक योग या अंगारक दोष बनता है। इसके साथ ही मंगल पर शनि की दृष्टि भी रहेगी 12 जुलाई तक और मंगल केतु से भी दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो इसी कारण से मंगल अत्यधिक पीड़ित हो जाएंगे और दुनिया को पीड़ित करेंगे। राहु मंगल की युति अंगारक योग बनाती है, मैं इसे अंगारक दोष भी कहता हूँ। अंगारक दोष के कारण जनता में असंतोष की भावना पैदा होने से देश में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर होगी। इस योग के कारण आंदोलन का पनपना, पुलिस और सेना पर किसी बड़े हमले के भी योग हैं और सेना जो है वो कार्यवाही भी कर सकती है और पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, स्थिति पहले से ऐसी हो गई है। आज़ाद भारत की कुंडली वृष लग्न की है जिसके कारण यह युति 12वें भाव में, यानी कि 12वें भाव में हानि के भाव में बनने जा रही है, जिसका पूरा असर 6ठे भाव पर पड़ रहा है। 12वें भाव में होकर गुप्त साजिश का संकेत देती है कि भारत के विरुद्ध गुप्त साजिश होने जा रही है। इस समय देश को अस्थिर करने के लिए साजिश के योग हैं। न्यायपालिका इस समय कोई बड़ा निर्णय लेगी, ऐसी संभावना है। अंगारक दोष व्यक्ति को दुस्साहसी बना देता है जिसके कारण व्यक्ति हिंसा पर उतर आते हैं। देश के कुछ हिस्सों में हिंसा प्रदर्शन और यातायात दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान या भूमिस्खलन होने के भी योग बनते हैं। सेहत संबंधी समस्याएं जैसे हृदय रोग, दुर्घटना, कहीं आगजनी, ब्लड प्रेशर आदि की समस्याएं भी बढ़ेंगी। इसके अलावा संपत्ति आदि मामलों में तेज़ी आएगी, तो आपके लिए ये एक सुझाव है कि संपत्ति में हाथ न डालें, अभी हाथ जल जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की। आपको ये बताएंगे कि इस अंगारक दोष का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशियों पर और उपाय भी बताएंगे राशि अनुसार, और ख़ास चार आपको उपाय बताएंगे अंगारक दोष के आपको उपाय बताएंगे। मिथुन राशि के बाद में, कन्या राशि के बाद में, धनु राशि के बाद में और प्रोग्राम के अंत में मीन राशि के बाद में। आइए शुरुआत करते हैं राशिफल की मेष राशि के साथ में। मेष राशि वालों, मंगल पहले भाव में गोचर करेगा, आप ही का स्वामी है। स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा, अफसर जो है वो सहयोग देंगे, घरेलू जिम्मेदारी बढ़ेगी। उपाय ये करें, मुट्ठी भर मसूर सिर से वार कर जल प्रवाह करें।
बात करेंगे दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की। मंगल 12वें भाव में गोचर करेगा, मन में उग्रता रहेगी, दांपत्य में मतभेद के योग हैं, सेहत के प्रति सतर्क रहें, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को जलेबी दान करें। तीसरी राशि मिथुन की बात करेंगे। मंगल 11वें भाव में गोचर करेगा, मानसिक शांति रहेगी, पारिवारिक शुभ कार्य होंगे, संतान से सुख प्राप्त होगा, विदेश से लाभ होगा, गुस्से पर काबू रखें। और उपाय ये करें मिथुन राशि वालों, लाल आभा लिए हुए गाय को गुड़ खिलाएं। अब समय है अंगारक दोष के विशेष उपाय नंबर 1 का। क्या करें आप, मंगलवार की शाम में हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं, सिंदूर चमेली के तेल माली पन्ने काजल से जो चोला चढ़ता है हनुमान मंदिर में वो चोला चढ़ाएं। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। मंगल 10वें भाव में गोचर करेगा, भवन से सुख बढ़ेगा, परिजन सहयोग देंगे, बौद्धे काम सफल होंगे, आय कम और खर्चे बढ़ेंगे, पारिवारिक यात्रा के योग हैं। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में मिठाई बांटें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। मंगल 9वें भाव में गोचर करेगा, गुस्से से बचें, भाषा पर संयम रखें, दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परिश्रम की अधिकता रहेगी, भाई बहनों से मतभेद होंगे। उपाय ये करें किसी वृद्ध महिला को लाल कपड़ा दान करें। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। मंगल 8वें भाव में गोचर करेगा, मन में असंतोष रहेगा, शत्रुओं पर जीत मिलेगी, बुजुर्ग सहयोग देंगे, शारीरिक कष्ट के योग हैं, सड़क दुर्घटना के भी योग हैं। उपाय ये करें कि दक्षिण दिशा में चमेली के तेल का दीपक करें। अब समय है अंगारक दोष के उपाय नंबर 2 का। क्या करें, शनिवार की शाम सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर चौराहे पर चौमुखी दीपक यानी कि 4 बत्तियों वाला दीपक डाल करके जलाएं चौराहे पर शाम के समय प्रदोष काल में, अंगारक दोष के प्रभाव कम होंगे। बात करेंगे सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। मंगल 7वें भाव में गोचर करेगा, आशा निराशा दोनों के भाव मन में रहेंगे, दांपत्य सुख बढ़ेगा, मित्रों की मदद से रोजगार के मौके मिलेंगे, आय में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि तांबे का टुकड़ा या तांबे का सिक्का जल प्रवाह करें। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। मंगल 6ठे भाव में गोचर करेगा, सेहत नरम रहेगी, शत्रुओं से सावधान रहें, कला में रुझान बढ़ेगा, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, संतान से खुशखबरी मिलेगी। उपाय ये करें कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे। मंगल 5वें भाव में गोचर करेगा, धर्म में धैर्य में कमी आएगी, क्षमा कीजिएगा, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, शिक्षा में बाधा आएगी, संतान की सेहत चिंता देगी, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे। उपाय ये करें कि पीपल के नीचे गूगल से धूप करें। अब समय है अंगारक दोष उपाय नंबर 3 का। क्या करें आप, मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन में गेहूं भरकर हनुमान मंदिर में दान करें, अंगारक दोष के प्रभाव कुछ कम होंगे। बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। मंगल 4थे भाव में गोचर करेगा, माता की सेहत के प्रति सचेत रहें, भाषा में कठोरता रहेगी, संचित धन में कमी आएगी, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी मजदूर को मसूर दान करें। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। मंगल 3रे भाव में गोचर करेगा, गुस्से से बचें, नौकरी में अवसर सहयोग देंगे, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, संचित धन में वृद्धि होगी, मित्र सहयोग देंगे। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर से कलाई पर मौली बंधवाएं। 12वीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे। मंगल 2रे भाव में गोचर करेगा, मन में खुशी रहेगी, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, माता आर्थिक सहयोग देंगी, महत्वाकांक्षा पूरी होगी, भावनाएं अपनी काबू में रखें। उपाय यह करें कि हनुमान मंदिर में सिक्के चढ़ाएं। तो दोस्तों अब समय है अंगारक दोष उपाय नंबर 4 का। क्या करें आप, शनिवार के दिन हनुमान जी पर गुड़ का भोग लगाकर किसी काली गाय को खिला दीजिए, अंगारक दोष कम होगा। तो दोस्तों ये था लगभग 40 दिन के मंगल के राशि परिवर्तन का राशिफल। साथ ही साथ हमने बात की अंगारक दोष की और अंगारक दोष के उपाय भी आपको बताए, राशि अनुसार मंगल के राशि परिवर्तन के उपाय भी आपको बताए। ऐसे ही स्पेशल एपिसोड्स लेके कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।